तबस्सुम बाजी, आप कैसे आ गई? मैडम तो कह रही थी कि आप छुट्टी पर हैं। हाँ, वो बस घर पे दिल नहीं लग रहा था इसलिए आ गई। और मैडम ने कहा था कि अगर आप आ भी जाए तो आपसे कुछ ना कराऊं। उन्होंने नई मेड भी मंगवा ली है, कल परसों तक आ जाएगी। तो बसुम की जगह उसे देंगी? ये तो मालिकों की मर्जी है नजीब, पर अगर वो आपको आराम करने का कह रही है तो करें आराम। हेलो, हेलो फारूक, तू निकल कर गया है? तबस्सुम भी निकल कर घर से चली गई, मैं तो उसको आवाजें देती रह गई। अरे आपसे कहा भी तो उसे घर से बाहर ना जाने दीजिएगा। तो क्या मैं उसे रस्सियां डालकर रखूं? भाई मुझसे नहीं अब होता, मैं तो तस्नीम और भाई साहब से कह रही हूँ कि वो आए और आकर अपनी बेटी को खुद समझाएं। क्या तरीका है भैया? किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ बात, संभालूंगा मैं। हाँ जी, क्या ब्याह कर लाए हो? मेरी तो जान साहब में आ गई है। ट्वेंटी सेकंड का ब्रेक है, फिर वापस आएंगे। ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर लूँ कल के शो के बारे में। ठीक है, इसको क्लिप कर दो यहाँ से। यार ये लाइट, मैं चाहती हूँ कि कल के शो के अंदर आप कुछ लेना लेके आए। नहीं थैंक यू, ये काला जादू, तावीज, धागे, सब कुछ बहुत होंगे अब तो, जिनने भी हाजिरी दे दी है। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा करें आपकी कॉल्स और रेटिंग का सैलाब आ जाए बस। आप कहें तो चुड़ैल बुलवा लूं शो में। चुड़ैल बुलवाएं या पिछल पैरी बुलवाएं, मुझे नहीं पता, आप बस कुछ कुछ नया करें। बस तुम यहाँ? आपने किसी और मेट को रख लिया? अभी मैं शो में, तुम जाओ बाहर वेट करो, मैं आके बात करती हूँ तुमसे। मेरे तावीज का कुछ असर हुआ? किसके लिए तावीज था? किसी का घर तोड़वाना चाहते हैं, कह रही थी कि कोई इनको बेहद परेशान कर रहा है। मियां बीवी में इतनी शदीद लड़ाई डलवाना चाहती हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक ना देखें। वो औरत रोए, चीखे, चिल्लाए, तड़पे। आपको उस औरत का नाम याद है? नाम तो मुझे सही से नहीं याद, मुझे सही से नाम नहीं याद है। जन्नत नाम था ना उसका? मैं चाहती थी कि आप और नुमान भाई खुश रहे, आप दोनों के बीच में कोई ना आए, इसलिए वो तावीज। क्या मतलब? मान भाई ने आपको बहुत परेशान कर रखा था, फिर जब आप लोग बाहर से छुट्टी गुजार कर रहे थे आप इतना खुश थी, पर टीवी में मैंने उस आमिर को देखा तो मैंने सोचा अगर मैं उसे तावीज़ करा लूँगी तो आप
फिर से नुमान भाई के साथ वैसे ही खुश हो जाएंगी। जन्नत, बहुत नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं आपके शो के खिलाफ आवाम की तरफ से। वो तो हमेशा आता है। की तरफ से भी दो बार नोटिस आ चुका है पिछले दो हफ्तों में। वो तो हर चैनल को नोटिस भेजते हैं। फिर भी मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि चैनल के कंसर्न्स आपको बता दूं। 8 साल हो गए मुझे आपके चैनल के लिए शो करते हुए और आप अब बैठ के मुझे कंसर्न बता रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है कि रेटिंग आ रही होती तो हम नेगेटिव फीडबैक्स को इग्नोर कर देते, लेकिन रेटिंग अच्छी नहीं आ रही। ऊपर से हमारे खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, नोटिसेज आ रहे हैं और मुख्तलिफ टीवी शोज में आपका नाम लेकर हमारे चैनल पर कीचड़ उछाली जा रही है। इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए ना। क्या सद्देबाप करेंगे आप? सेंसरशिप लगाएंगे? ठीक है, लगा दें। आप मुझे बता दें कि मॉर्निंग शो पर बैठ के मैं शादियां नहीं दिखा सकती। आप मुझे ये बता दें कि मॉर्निंग शो पर बैठ के मैं जादू टोने नहीं दिखा सकती, मैं किस विक्टिम को नहीं बुला सकती। बस सीधा सीधा बैठ के मुझे एक टॉक शो करना है तो ठीक है, मैं कर लूँगी। लेकिन उसके बाद आप मुझे रेटिंग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे समझाऊं। असल में तुम समझना नहीं चाहती हो। एक सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। चैनल तुम्हें मिलियंस देता है तो क्या वो पूछेगा नहीं कि रेटिंग अच्छी क्यों नहीं आ रही? वरना तुम बता दो चैनल को क्या करना चाहिए। चैनल को मेरे मिलियंस की आउटस्टैंडिंग पेमेंट दे देनी चाहिए, वो जो रोक के बैठे। अगर इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं आप तो करें, अगर नहीं तो और भी ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन तो जन्नत, आप अगर ऑप्शन ट्राई करना चाहती हैं तो चैनल आपको रोकेगा नहीं। क्या मतलब है आपका? आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी और चैनल के पास चले जाऊं? मैंने ये नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तुम बार बार धमकी दोगी तो अब इस धमकी का हम पर कोई असर नहीं होगा। थैंक यू।